गाइज वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे आज के नए ब्लॉग में। गाइज दिन की शुरुआत हो गई है। फिलहाल हम लोग आए हैं मॉल में और अभी शॉपिंग करेंगे यहाँ से, क्योंकि आज इनके स्कूल का पीओपी था, मतलब पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम, तो वो अटेंड करने के बाद हम सीधा आ गए हैं मॉल में। यहाँ पर शॉपिंग करेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम घर से बाहर रहने के बाद काफ़ी चीज़ें ड्यू हो गई हैं, तो शॉपिंग करने के बाद वापस जाएंगे। तो फिलहाल दोनों बच्चे आ चुके हैं और हम आए हैं यहाँ से, हम लोग ग्रॉसरी लेते हैं। तो चलो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। हमारी गाड़ी हम लोगों ने यहाँ पार्क कर दी है, कॉमेट, बहुत दिनों बाद कॉमेट चला के मज़ा आ गया। चलो आगे अंदर चलते हैं। गाइस मॉल के अंदर हम लोग आ गए हैं और पहले हम लोग इस मॉल के लिए कांति वैली जाया करते थे, तो अभी हमारे घर के पास ही खुल गया है, टू गुड, और सारे काम अब यहीं हो जाया करेंगे। सो गाइस देखो आहान कितनी शैतानी कर रहा है। आहान गिरेगा जोर से, मैं बता रहा हूँ, गिरेगा गिरेगा, देख आटा वटा भी नहीं लग रहा था। सो डिटॉल का बड़ा केन उठा लिया गया है क्योंकि हाइजीन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है हमारे घर में। मैं ही देखती हूँ सर, इनका बस सर तो गटर की तरह नाली पड़े रहे हैं। आहान और आहान ने आज जी भर के जो है तेल लगा लिया सर में, पूरी गाड़ी इसने चिकनी चिकनी कर दिया, देखो कितना तेल लगाया है। सो शॉपिंग हमारी जारी है। मॉल एक्चुअली बहुत बड़ा है और वैरायटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। हम लोग तो इसी में जाना प्रेफर करते थे पहले, लेकिन जो इसका दूसरी ब्रांच है वो बहुत दूर पड़ती है हमारे घर से, इसने जाना बंद कर दिया था। फॉर्चुनेटली यहीं पर पास में खुल गई है और अब इसी में शॉपिंग किया करेंगे। क्या देख रही हो? चल आ जा। सो गाइस शॉपिंग हमारी चालू है, वैरायटी बहुत ही जबरदस्त है। सब उड़ गई है, स्टील की। स्टील है तो मेटल से जंग लग जाती है कपड़ों पे। स्टील है, स्टील से जंग नहीं लगती। स्टील कौन देगा इस प्राइस पे? तो भैया स्टील है, पतरा स्टील आता है। ले ले पतर, एक ही ले ले बस। अरे आइडिया लगेगा ना कैसा है। सो मेरे को एक ब्रश भी चाहिए था, ब्रश भी ले लेते हैं। सो मैगी के इस काउंटर पे आए और मैगी ना लें ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ये देखो। और फिलहाल हम लोग पी रहे लिमका। पिएगा जाने, पीना है किधर? ले बस बस ही बेटा, खुला हुआ है मत करो इसको, ये खुला ही जा रहा है, बंद नहीं हो रहा है। क्या कह रहा है? क्यों फालतू बोल रहा है? कुछ नहीं, उसके कहने से कुछ नहीं होता। हमने रखा है ना घर में, इस बार तो हमने रखा है। शहद है बेटा हमारे पास। सो ये है बच्चों का पीडियाश्योर, एक पैकेट तो फिलहाल लेते हैं। सो गाइस अभी हम जो जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे की सारी शॉपिंग हो गई, देखो जो दिखाता हूँ। और खाने पीने के लिए बाद में देखेंगे। हेलो इधर भी था एक सेक्शन, वहाँ तो गए नहीं हम। हाँ उधर नहीं गए, अच्छा। सो फिलहाल ऊपर जा रहे हैं। हाँ मतलब चलता है ये, हाँ चलता है, सॉफ्ट कीज है इसमें। और गाइस ये है हेलीकॉप्टर, आईआर इंफ्रारेड कंट्रोल्ड, यानी रिमोट कंट्रोल्ड। सो अभी बच्चों के लिए कुछ कपड़े लिए जा रहे हैं। आहान ये टी शर्ट बढ़िया लगी तुम्हें? नहीं। क्यों? देखो उसका मुंह कितना बड़ा है, एक मेरे अच्छा है। तुम्हें काटने आ रहा है ये, मेरे अच्छा है। चलो चलो हम जा रहे हैं इधर, ये तो लड़कियों का है। हाँ नहीं छोड़ दे इसको। सो क्रॉकरी घर में जितनी भी ज्यादा हो कम होती है ना। बट हाँ चेक करते रहना चाहिए ताकि पता चले कि क्या क्या नया आ रहा है। हाँ वो चीजें यूज के हिसाब से होनी चाहिए। ये अच्छी है, चाय जेनेटा। हाँ देखो यहाँ पर
फिर कप उठा लिए देखो लेकिन वाकई कप हैं बहुत अच्छे, सुंदर कितने ना। हाँ बस एक कलर और हो जाए तो चार का सेट बन जाएगा। और कलर भी इंग्लिश कलर है ना, इतना बड़ा इंग्लिश पसंद है देसी वाला नहीं, नहीं नहीं देसी भी अच्छा है। ये देखो यार अपने कोई हमारा नहीं है, चलो उधर जाओ। तीन ही कप है लेकिन ये हां जाने दे जरा, चौथा कप कौन सा आहान किसी और का सामान है, मत छेड़ो उसे। अगर दो कलर लेने हो तो ये कलर रही ना। हाँ ले लो। हाँ ले ले। अच्छा लेकिन बहुत बड़े हैं ये, मुझे भी थोड़े से बड़े लग रहे हैं लेकिन छोटे हैं नहीं। बेटा गिर सकते हो, मत करो ऐसे। सो वी आर गोइंग बैक और जैनेट और आहान ने अपने अपने ट्रॉलियां उठाई हुई हैं। शॉपिंग करने के बाद अभी हम आ गए हैं फूड एरिया में, यहाँ कुछ खाएंगे पिएंगे और यहाँ पर कुछ सिटिंग एरिया हाँ तो टी एरिया हमारे काम का है और इडली एरिया हमारे काम का है। सो गाइस फूड मेरा यहाँ पर तैयार हो रहा है और जैसिका वहाँ पर है अपना खाना दूसरा ले रही है, पैक करा रही है, फटाफट तैयार हो जाए खा पी के निकलेंगे। सो ये चेती रंग कुछ अलग सा दिख रहा है, यूजली मैंने वॉज टेकिंग इन सम अदर मॉल, सो वो रोटी की फॉर्म में आता था। चलो फिलहाल इसी को मान लेते हैं क्योंकि ये टिक्की की फॉर्म में है फ्राइड। सुनो अभी मम्मा को आने दो फिर लेना, ऐसे मत लो। जैनेट तो आ गई। सो हम दोनों का फूड तो आ चुका है, बस अब खाने वालों का इंतज़ार हो रहा है, जैसे का एक बार आ जाए तो फिर बैठ के खाएंगे आराम से। मीनवाइल चाय वगैरह का मेरे ख्याल से ऑर्डर प्लेस कर रहा है क्योंकि चाय इज़ आर फेवरेट, और शाम का टाइम है तो चाय पीने का तो बनता ही है। क्या शैतानी कर रहा है तू है? सो हमारा और खाने पीने का ऑर्डर आ गया है जिसमें हमारी है फेवरेट चाय और किड्स के लिए लिया है मोजिटो, लेकिन देख के ना मेरा तो दिल ललचा रहा है, अब चाय पीऊँ या फिर सॉफ्ट ड्रिंक। मुझे देख के तो अच्छे अच्छे दिल ललचाता है। सो ये आहान और जैनेट के लिए दोनों के लिए दल जाएगा। आहान जल्दी आ जा, छोड़ दे उसको। सो गाइस फाइनली घर पे हम लोग आ गए हैं और ये देखो आहान क्या नाटक कर रहा है। बस तो हवा निकल भी जाती है, हवा भर भी जाती है इसमें। पीछे ऊपर पंप लगाना, दोबारा करियो। ठीक है। कितनी सारी चीजें लाए थे हम लोग शॉपिंग करके, ज्यादातर तो कार के लिए मैं लेके आया था। ए क्यों चिल्ला रहा है?